हेलो स्टूडेंट वेलकम टू क्लासेस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीआरएम का सेकंड पार्ट पे एमसीक्यू और इसके पहले के 25 फाइव क्वेश्चन को वॉच करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को चेक करना पड़ेगा तो आइए देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन जहां पर पूछा गया है परसेंटेज और नंबर्स ऑफ कंज्यूमर हु मूव फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल इन बाइंग डिसीजन को क्या कहा जाता है ऐसा प्रोसेस जहां पर एक कस्टमर एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल पे बाइंग बाइंग डिसीजन लेने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं कन्वर्जेशन रेट मार्केटिंग रेट शॉपिंग रेट या लॉयल्टी रेट इसे हम कहते हैं कन्वर्जेशन रेट क्योंकि वो परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है कस्टमराइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर एंड इंटरेक्शन टू इंडिविजुअल कस्टमर आर द पार्ट ऑफ जब हम देखते हैं कस्टमराइज प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम एक कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू तो उसे हम क्या कहते हैं इट मीन्स हम अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को जब बेचने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा बी कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनीज कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अनदर नेम ऑफ इनका दूसरा नाम क्या होगा इसका दूसरा नाम होगा सेटिस्फाइड कंज्यूमर क्योंकि जब तक हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक हम उसे सी आर एम नहीं बोल सकते तो इट मीन्स कंज्यूमर रिलेशनशिप कैपिटल कस्टमर सेटिस्फाई कस्टमर को कहा जाता है अ कंपनीज मॉनिटरी टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट ऑल आर इंक्लूडेड इन कंपनी का मनी टाइम और एनर्जी कॉस्ट इस इन सब में किस में इंक्लूडेड रहता है टोटल कंज्यूमर कॉस्ट में क्योंकि टोटल कंज्यूमर कॉस्ट का मतलब होता है एक कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है उसे हम कहते हैं टोटल कंज्यूमर कॉस्ट अ पर्सन और कंपनी दैट यील्ड अ रेवेन्यू मोर देन इनकर्ड कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड सर्विसिंग इज कॉल्ड अ पर्सन और कंपनी दैट यील्ड अ रेवेन्यू ऐसा पर्सन या रेवन कंपनी uh, जो रेवेन्यू इनकर्ट कर रहा है मोर देन द सेलिंग कॉस्ट मतलब अगर जितना उसने खर्चा किया उससे भी ज़्यादा अगर वो कमा लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन सुपीरियर वैल्यू प्रॉफिटेबल कंज्यूमर या फिर सेटिस्फाइड कंज्यूमर उससे हम कहेंगे प्रॉफिटेबल कंज्यूमर क्योंकि जितना खर्चा हमने किया है उसको सेल करने के बाद उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट हमने कमा लिया है कस्टमर लाइफ टाइम परचेस दैट जनरेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट स्ट्रीम इज़ कॉल्ड कंज्यूमर लाइफ टाइम परचेज दैट जनरेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऐसा कंज्यूमर जो हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ गया है और वो हमारे पास से हमेशा परचेज करने वाला है उस ऐसी स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं कंज्यूमर लाइफ टाइम वैल्यू टोटल कंज्यूमर बेनिफिट इंक्लूड अगर हम टोटल कंज्यूमर का बेनिफिट देखते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है प्रोडक्ट बेनिफिट सर्विस बेनिफिट इमेज बेनिफिट और ऑल ऑफ़ द बॉ तो यहाँ पे तीनों ही बेनिफिट इंक्लूडेड है इसलिए राइट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द बॉ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर कंज्यूमर विच इज़ लिमिटेड टू एनी एफिनिटी ग्रुप आर क्लासीफाइड एज ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हम कंज्यूमर के लिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हम कस्टमर को सेटिसफाई कर सकें तो उसे हम कहते हैं क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम तब उस समय हम कुछ इस प्रकार के क्लब चलाते हैं जहाँ पे कस्टमर हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहे फर्स्ट स्टेप इन एनालाइजेस ऑफ कंस्ट्यूमर कंज्यूमर वैल्यू इज़ टू जहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू हमने देखा कि कंज्यूमर वैल्यू के लिए हमें फ़र्स्ट स्टेप कौन सा एनालाइज करना चाहिए तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कंज्यूमर के वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या है इट मीन्स कंज्यूमर किस लेवल तक सेटिस्फाई हो सकता है और कंज्यूमर की नीड्स और वांट क्या है तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कंज्यूमर वैल्यू के लिए कि कंज्यूमर का वैल्यू एट्रीब्यूट चेक कर सकें डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर इवेल्यूएशन इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड एंड बेनिफिट इज कॉल्ड क्या डिफरेंस बिटवीन है कि जब हम देखेंगे कंज्यूमर को इवेल्यूएट करना इट मीनस कंज्यूमर जब चेक करता है जब हम चेक करते हैं कि कितना कॉस्ट लगा एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने में और उसके बाद जो हमें बेनिफिट मिला तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रिसीव्ड वैल्यू जब हम चेक करते हैं कि, कि कंज्यूमर को कितना कॉस्ट लगा कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने पर और तो उसके बाद क्या बेनिफिट मिला तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रिसिव्ड वैल्यू अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग डाटा बेस ऑफ कस्टमर टू बिल्ड कंज्यूमर रिलेशनशिप इज क्लासीफाइड एज ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम बिल्ड करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं और कंज्यूमर का डाटा बेस यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कंज्यूमर डाटा बेस उसको हम कहते हैं डाटा बेस मार्केटिंग क्योंकि डाटा बेस के बेसिस पे ही हम मार्केटिंग कर पाते हैं प्रिसीव्ड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट विच कंज्यूमर एक्सेप्ट फ्रॉम अ गिवन प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग इमेज इज कॉल्ड प्रिसिव्ड मॉनेटरी वैल्यू जो मॉनेटरी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू मींस जो पैसे हमारी कंपनी को मिल रहे हैं क्योंकि हमें बेनिफिट हुआ है जो प्रोडक्ट कंस्टमर चाह रहा था जैसा एक्सेप्ट कर रहा था हमने उसको वैसा ही प्रोडक्ट दिया और एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर दी तो इससे हम क्या कहते हैं टोटल कंज्यूमर बेनिफिट टोटल कंज्यूमर कॉस्ट टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट या टोटल फंक्शनल कॉस्ट तो यहाँ पर सब बेनिफिट कंज्यूमर को ही मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे टोटल कंज्यूमर बेनिफिट ऑप्शन ए सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सपीरियंस वाई यूजिंग मार्केटिंग मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सपीरियंस जहाँ पे पूरे एक्सपीरियंस हमने इंक्लूड किए हैं यूजिंग मार्केटिंग ऑफरिंग ऑफरिंग मीन्स यहाँ पे अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं मार्केट में तो उसे हम क्या करते हैं कस्टमर प्रोपोजिशन वैल्यू डिलीवरी सिस्टम प्रोडक्ट प्रोपोजिशन या डिस्टिंगटि सिस्टम यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वैल्यू डिलीवरी सिस्टम बी ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ़ कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर हु विल हेल्प इन कंपनी ग्रोथ इज क्लासीफाइड एट जो नंबर्स ऑफ कस्टमर जो पोटेंशियल ग्रोथ लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे या हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं तो ऐसे कस्टमर को हम क्या कहते हैं इसे हम कस्टमर कस्टमर बेस कहते हैं एनी ओकेशन ऑन विच ब्रांड और प्रोडक्ट इज एनकाउंटर बाय एंड कस्टमर इज कॉल्ड इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टच पॉइंट क्योंकि इस पॉइंट पे ही कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को सेटिसफाइड कर लेता है और हमारे ब्रांड क्रिएट होने लगता है टेक्निक्स विच ट्राइज टू आइडेंटिफाई रियल कॉस्ट ऑफ सर्विंग एंड इंडिविजुअल कस्टमर इज कॉल्ड ऐसी टेक्निक्स जहाँ पे हमें रियल कस्टमर की वैल्यू के बारे में पता चलता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर टू मैक्सिमाइज लॉयल्टी इज सेट जहाँ पे हमें पता चलता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी आर एम इन बायर डिसीजन प्रोसेस परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इन अ गिवन टारगेट मार्केट इज कॉल्ड मार्केटिंग फनल क्योंकि हम यहाँ पर मार्केटिंग फनल के थ्रू ही पता चलता है कि मार्केट में कितने हमारे टारगेटेड हमारे टारगेटेड कस्टमर है जो टारगेटेड कस्टमर रहते हैं हम उनको ही सामान बेच पाते हैं एग्रीगेट वैल्यू ऑफ़ कस्टमर बेस इज क्लासीफाइड एज एग्रीगेट वैल्यू जहाँ पर हम कस्टमर को क्लासीफाई कर सकते हैं जहाँ पे कस्टमर बेस बोला है वहाँ पे शेयर होल्डर की वैल्यू आती है रिकॉर्ड विच इज बेस्ड ऑन बिजनेस सर कस्टमर पास्ट परचेज जो बिजनेस के पास्ट परचेज या सेल्स प्राइस के ऊपर बेस्ड है उसको हम बोलते हैं बिजनेस डाटा बेस होल क्लस्टर ऑफ बेनिफिट वेन कंपनी प्रोमिसज टू डिलीवर थ्रू इट मार्केट ऑफरिंग जब हम पूरे क्लस्टर पूरे बेनिफिट को एक साथ हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो इसे हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन दिस इज़ एन अप्रोच टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन विच आर प्रोस्पेक्ट एक्सिबिलिटी एक्सिबिलिटी एग्री टू एडवास रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एडवांस टू रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जब हमारा एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज को एग्री करते हैं कि हम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उस बेसिस पे काम करें तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं कंज्यूमर कस्टमर मैनेज रिलेशनशिप डाटा माइनिंग परमिशन मार्केटिंग वन टू वन मार्केटिंग या बैच प्रोसेसिंग तो ऐसे हम परमिशन मार्केटिंग कहते हैं इन एंड इंटरनेट कॉन्टेस्ट दिस इज प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग वेब पेज टू इंडिविजुअल यूजर कैरेक्टराइज और प्रिफ्रेंसेज जब हम इन इंटरनेट की बात करते हैं तो वेब पेज पे जो कस्टमर को हम सर्विसेज देते हैं उससे क्या कहते हैं वेब सर्विसेज कस्टमर फेसिंग क्लाइंट सर्वर कस्टमर वैल्यूएशन या पर्सनलाइजेशन तो वहाँ पे हम पर्सनलाइजेशन कहेंगे क्योंकि हम पर्सनली वेज से कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाटा अबाउट कंज्यूमर एंड देयर रिलेशनशिप विद द एंटरप्राइज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एंटरप्राइज फ्यूचर सेल एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके हम अपने कंपनी के फ्यूचर सेल्स को बढ़ा सकते हैं सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट कम से कम कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस डाटा बेस्ड मार्केटिंग कस्टमर कस्टमर बेस कंज्यूमर रिलेशनशिप रिलेशनशिप मार्केटिंग, या B2C. इसे हम बोलेंगे CRM analysis, मतलब मैनेजमेंट को एनालाइज करना दिस इज ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स फॉर गैदरिंग स्टोरिंग एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा टू हेल्प द एंटरप्राइजेस यूजर मेक बेटर बिजनेस डिसीजन इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि एक बिजनेसमैन अच्छे से अच्छा डिसीजनस ले सके बेस्ट प्रैक्टिस डाटा मार्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन वेयर हाउसेस बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस वेयर हाउसेस इसे हम कहेंगे बिजनेस इंटेलिजेंट क्योंकि उस बेसिस पे ही एक बिजनेस अपना डिसीजन ले सकता है तो ये आज हमने कम्प्लीट किए फिफ्टी क्वेश्चन ऑन सी आर एम होप ए स्टूडेंट्स आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसका इजिली इसको समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चंस को लर्न कर पाएंगे थैंक यू